काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी नहीं होना चाहिए। फिर है ब्राह्मणों को दोष कि ब्राह्मण आते हैं और क्या करते हैं, मजे लेते हैं मजे से। इसे नियम के अनुसार काम करना है, जो नियम के अनुसार काम होता है, शास्त्र के अनुसार जो काम होता है वो फलीभूत होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि बड़े बड़े यज्ञ रच दिए जाए। आप कलयुग में क्या गया था है? कि थोड़े ही समय में जो है भगवान की पूजा हो जाती है। सत्यनारायण की कथा सुनी है? सत्यनारायण की कथा तो क्या करते हैं आज का फोन है ना, जो फोन है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, राक्षस होते थे ना, सुना है ना? राक्षस क्या करते थे, यज्ञ को विध्वंस करते थे। आज काम करते हैं यज्ञ को विध्वंस, ये जो हमारे फोन है, इसलिए फोन को स्विच ऑफ करके रख दो पहले, नहीं तो अगर बीच में बज गया ना फोन तो बस फोन पे ध्यान दे। इसलिए यज्ञ इस प्रकार करें इसका फल हमें पूरा मिल जाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ध्रुव को जो है विवेक सत्संग प्राप्त नहीं है, बिनु सत्संग विवेक ना हो, इसलिए सत्संग की महिमा बताई गई। तो सत्संग किस प्रकार होता है, इस प्रकार जो है भक्ति का सिद्धांत बताया गया। तीर्णादपि सोनी चेतरो सहिष्णुता अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। क्या करना, यज्ञ करके क्या करना, तिनका देखा है ना, उससे भी छोटे समझना अपने आप को यज्ञ करके। और क्या करना, ये भाव मन में आने भी नहीं देना कि मैंने बहुत से यज्ञ किए, बहुत से तीर्थ किए, इन मन से भाव ही निकाल देना। इस प्रकार जो यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और अपने आप सहनशील बनना, यज्ञ में त्रुटियां रहती है, मैं बोलूंगा आपने ऐसा नहीं किया, वो बोलेंगे उसने ऐसा नहीं किया, तो सुनने की सहन शक्ति चाहिए। इस प्रकार जो है जीवन का लक्ष्य एक ही रखना कि मैंने भगवान को पाना है। ध्रुव आए और यक्षों के साथ जो है युद्ध करने लगे और स्वयं भीमनु कौन थे, कौन थे स्वयं भीमनु, पर दादा उसका, वो आए और ध्रुव को समझाए, ध्रुव आप क्या कर रहे हैं, ये आप यक्षों को क्यों मार रहे हैं, ऐसा मत करिए, आप सत्संग करके नहीं आए, संतों के सानिध्य में रहे फिर भी आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, तपस्या की भगवान को पाया फिर भी आपने जाए सत्संग की महिमा को नहीं जाना। और जो है कहते हैं कि स्वयंभू मनु ने जो है उसको सुझाया ध्रुव को, और थोड़े ही समय में जो है वापिस राज्य में था और सर्वस्व छोड़कर जो दोबारा जंगलों की खाक छानने के लिए चल पड़ता है ध्रुव। कहता 36,000 वर्ष में तप किया, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो आया है ना उसने एक दिन जाना है। ध्रुव को जो मृत्यु आनी है, इसने जन्म लिया है उसने मरना है। इस प्रकार कैसे आया है सो जाएगा, क्या बोला, आया सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मृत्यु का विमान आया ऊपर से, मृत्यु भी साथ में आया,
विमान के पार्षद ने ध्रुव को कहा कि अब क्या समय है, आओ आओ। तो ध्रुव ने कहा विमान नीचे करो, मृत्यु देवी को मेरे सामने लाओ। क्या बोला? मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्त्वा आरुह्यं भूत गृहम्। बोला मृत्यु को मेरे सामने लाओ, मृत्यु सामने खड़ी है। ध्रुव ने कहा सर नीचा कर, इतना तप किया ध्रुव ने, बाद सर नीचा करो। और ध्रुव ने अपना बाण जो है मृत्यु के सर के ऊपर रखा, पर बाण ही रखा, आकाश से जो है फूलों की बारिश होने लगी और विमान के ऊपर आरूढ़ होकर जो है ध्रुव जो है चल पड़े और जो है उत्तर दिशा में जो है आज भी जो है ध्रुव जो है विराजमान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव कहते हैं राजन, ध्रुव को जो है उत्तर दिशा दे दी। मनुष्य के बिगड़ने के चार कारण होते हैं, ये कथा चल चार बिगड़ने के कारण, कौन बिगड़ेगा देखना भी आपने। कहते हैं किसी को जो है यौवन संपत्ति, यौवन संपत्ति रूप और बड़ा पद मिल जाना, ठीक है, ये बिगड़ने के कारण है। तो कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो भगवान की शरण में चले जाओ, नहीं तो मनुष्य के बिगड़ने के चारों कारण बन जाते हैं। ध्रुव के जो है बेटा हुआ उत्कल, उत्कल के हुआ बेन, बेन हुआ बड़ा अत्याचार, और बेन के हुए कहते हैं यदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रेषु साधसु धर्मे मयि च देशा सभा आसो विनश्यति। क्या करता था तू? बड़ा अभिमानी हुआ और जो है देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में द्वेष पैदा हो जाए ना, वो समझ लो व्यक्ति जो है नीचे की ओर जाना शुरू हो गया। किसके प्रति? गौओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, वेदों के प्रति और शास्त्रों के प्रति जिसने द्वेष कर लिया, उसका पतन है, उसका नष्ट होना जो है निश्चित है। इसलिए बेन ने कह दिया, जब ऐसा अत्याचारी अभिमानी हुआ, संतों ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना और संतों के हिसाब से जो है बेन की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? संतों के हिसाब से बेन की मृत्यु हो गई। जब बेन की मृत्यु हुई, मंत्रों की शक्ति के द्वारा जो है बेन को जो है द्वारा उसके जो है प्राण जागृत था। संतों ने क्या किया? मंत्रों के द्वारा जो है बेन के जो है क्या किया, उसको जो है जीवित किया। जब जीवित किया तो उसके से जो है पृथ्वी भगवान की उत्पत्ति, पृथ्वी भगवान की। और पत्नी अर्ची साक्षात लक्ष्मी आई, बोले लक्ष्मी भैया की। अब क्या हुआ? बेन के कौन हुए? पृथ्वी अर्ची। समय व्यतीत होता गया, क्या हुआ? पृथु के पिता बेन जो है इतने अत्याचारी हो गए थे। पृथु जितना पृथ्वी पर अन्न बोता ना, उतना उसको प्राप्त ना होता। अगर दो किलो जो है बीजता था तो उससे जो है 300 ग्राम वापिस आता था। तो पृथु ने निश्चय कर लिया कि मैं अब पृथ्वी को नहीं छोड़ू, क्या करूंगा, पृथ्वी को नहीं छोड़ू। क्योंकि जब बेन अभिमानी अत्याचारी हो गया था तो यज्ञ होने भी बंद हो गए थे, यज्ञ होने बंद हो गए थे,
पृथु ने जो है, जब पृथु जो है पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ता है तो क्या होता है, पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके जो सामने खड़ी हो जाती है, मुझे मत मारना, मैं क्या करूं, मैं रसातल में चली जाऊंगी। बोला क्या बात है, बोला कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। यज्ञ से क्या होता है, बारिश हो रही है, बारिश जो है पृथ्वी हरी भरी होती है और बीज उत्पन्न हो रहे हैं। बोला मैं क्या करूं, जब यज्ञ नहीं हो रहे हैं तो क्या किया जाए। जब ऐसी बात इनकी हुई तो कहते हैं कि पृथ्वी ने जब पृथ्वी से कहा कि क्या करूं, बोला आप जो है यज्ञ करो, तो कहते हैं कि पृथ्वी ने जो है 99 अश्वमेध यज्ञ किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जब यज्ञ किए 99 यज्ञ जब किए तो भगवान जो है फल देने के लिए, पृथ्वी ने भगवान ने पूछा पृथ्वी क्या चाहते हो, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कानों में इतनी शक्ति आ जाए, इतने सहस्र कान होंगे उससे मैं जो हूँ भगवान की कथाओं का ही स्मरण करूंगा। और भगवान ने कहा हास्तु, अब दो ही कान कहा कुठे लगे रहती हूँ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार जो है पृथ्वी का पुत्र हुआ अंतर्ध्यान, कौन हुआ अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हुए हबीर ध्यान और हबीर ध्यान के हुए प्राचीन बर्यन। प्राचीन बर्यन बहुत भूल की, यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं और क्या करते हैं, घोड़ों की बलि, बकरों की बलि। अब इसके ऊपर जो है सुनना बलि के बारे में, ऐसा कोई देवता नहीं कहता हमें बलि दो। विवाह में आप क्या करते हैं, क्या होता है बकरा, अच मैंने पापा, बकरे की बलि देने का मतलब है कि अपने पाप को वहां यज्ञ में छोड़ दो। क्या है, यज्ञ में छोड़ दो। विवाह में क्या करते हैं, पंडित कहते हैं ना, क्या कहते हैं, देखा है विवाह, सभी देखा है विवाह होता हुआ, पूरा विवाह देखा है आपने होते हुए, कहाँ देखा हुआ है, वहाँ कैमरे वाले खड़े हैं सामने, पंडित पीछे हटो थोड़े से, इधर फोटो उतरना है, और जूतों के साथ चले हैं बेटी का के अंदर, और मंत्र क्या बोलते हैं पढ़ते, फिर एक ही मंत्र होता है मंगलम भगवान विष्णु, और पैसे मांग लिए तो कठाड़े लग लिए दस। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सच्ची बात है, झूठी बात नहीं, ये ज्ञान है, मैं नहीं बोलता, शास्त्र बोलते हैं, ये शास्त्र बोलते हैं। वहां मंत्र आता है ततः बरा कन्या हृदयम आरभेत, क्या आता है, जब वेदिका हो जाती है ना तो मंत्र आता है ततः बरा कन्या हृदयम आरभेत। अलभेद का अर्थ है छूना, कि कन्या के हृदय को आप छू और पाप को छोड़, तो है अलभेद का पशु, अलभेद पशु को वहां छूना नहीं है, जो पशुओं वाली वृत्ति है उसको वहां छोड़ है। अब देखो आप, अब बोलेंगे आप पंडित बोले ज्ञान तो देना पड़ेगा, यजमान को ज्ञान तो देना पड़ेगा, घर तो काम करेंगे तो देना तो पड़ेगा, यही दे सकते हैं, बीच बीच का हम बोल नहीं सकते कुछ नहीं, वहां तो हम छोटे हैं। क्या है, आपको एक इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, लगाते हैं इंजेक्शन, कितनी दर्द होता है, होती है ना, क्या बोलते हैं, हाय माय, सुनो आप इस पे गहन विषय वस्तु है। और आजकल हम क्या करते हैं, मदिरा मांस इत्यादि बकरे को काटते हैं, उसको खाते हैं, क्या मजा आ रहा है, आ रहा है ना मजा, और बोलते हैं कि डॉक्टर ने बताया खाओ अब इसको, उसमें कुछ नहीं है, तो उतनी दर्द जो है इंजेक्शन से होती है, तो उसको कितनी होती है, तो एक बात ही सब छोड़ दे,
इन बातों के ऊपर गौर मत करना। इस प्रकार जो है अलभ्य का मतलब है कि हमने यज्ञ में पाप बुरे कर्म है छोड़ देते हैं, उसको छूना है। आज मैंने बकर बकर ने पाप उसको हमने छोड़ दिया। और घोड़ा, घोड़े की बलि क्यों देते थे? घोड़े के ऊपर बैठते ना जब तो अभिमान आता है, तो वहां यज्ञ में अभिमान छोड़ देना, क्योंकि जब यज्ञ बढ़ता है ना तो अभिमान आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। यजमान संभल के रहना, क्योंकि यज्ञ समाप्ति के ऊपर है। और क्या होता है यज्ञ समाप्ति के ऊपर? भगवान जो है बार बार भिक्षा लेते हैं। अब गुस्सा भी आना आपको शुरू हो जाएगा, बच के रहना। क्या बोलना, क्या बोलना बाप? हाँ, सबने यही जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी ताली बजाएं। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Oh,